गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम हो गया आप लोगों का सलीम फरीन ब्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका फरीन सलीम ब्लॉग में। सलीम फरीन उल्टा बोले, हैबिट नहीं है ना अभी ज़्यादा। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जा रहे कुछ छोटा मोटा घर का ज़रूरत का सामान लेने। भैया मेरे को घर से बोल के निकले, तेरे बर्थडे के लिए केक लेके आ रहा हूँ, बोलते घर का सामान लेने जा रहे। अरे तो तुम तो पूरा भांडा ही फोड़ पूरा पूरा। अरे तो क्या भांडा, जिसका बर्थडे उसी को लेके जा रहे केक खिलाने के लिए, तो कौन सा सरप्राइज और क्या। तो मैं केक शॉप पे लेके जाता तो तुमको डायरेक्ट सरप्राइज दिखता ना वहाँ पे यार। इतना ऑब्वियस है, ऑब्वियस ही बात है। अभी तुम बताओ मेरे को, घर से लेके निकले मेरे बर्थडे की शाम पे, तो ऑब्वियस है ना केक ही लेने लेके जाएंगे। बताओ तुम्हारा बर्थडे है, कभी है तुम्हारा बर्थडे? यस, वी आर बॉर्न ऑन द सेम डे बट डिफरेंट ईयर्स, है ना। तो देखते कौन सा केक पसंद आता है। अंजिक आरिस दोनों घर पे रह गए, बोले अभी हम लोग नहीं जाएंगे। आरिस तो सो रहा था, अंजिक बोला मैं नहीं जाऊँगा, मेरे लिए चॉकलेट लेके आना। तो अभी निकले न्यू घर से। सो गाइस, ये है फरीन का सरप्राइज जो फरीन के साथ में लेके देना पड़ा। वैसे तो उसने बीच में ही पचका कर दिया था, पर कोई बात नहीं। हम लोग को केक मिलेगा। क्या मिलेगा? केक बोल रहे, हम लोग को केक मिलेगा। क्या मिलेगा? अरे क्या मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, कचरा नहीं मिलेगा, मिलेगा? हैप्पी बर्थडे लिखा है उस पे। खाली आरिस का निकालो। सो गाइस, माशाल्लाह कैंडल जला दिया गया है और सेलिब्रेशन होने जा रहा है स्टार्ट। सो रुको, पहले अपन ब्लो करेंगे ना। ये दे ही नहीं रहा इस वो साथ में मम्मा के पकड़ के करो ना, बर्थडे तो मम्मा का है ना। बोलो मम्मा, आओ दोनों लोग हाथ पकड़ के करेंगे। हां दोनों लोग, चलो बहुत अच्छा। सो नाउ गो, 1 2 3 ब्लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you, happy birthday dear Farin, happy birthday to you। अयो खिलाओ तो मम्मा को। सो गाइस, केक कट चुका है। आरिस कहाँ देख रहे हो मम्मा, मैं भी खाऊं। हैप्पी बर्थडे। ले लो, खा लो ना तुम। The next day। अंजिक, अरे तो हॉर्स पे बैठा अंजिक, माशाल्लाह। पहले हॉर्स पे नहीं बैठता था, गिरने जैसा होता था। कहाँ आए हो? आरिस अंजिक भाई झूला झूल रहे हैं, हम लोग उनको झूला झूलते देख रहे हैं। अंजिक ये देखो, बैठ लेगा, हाँ देखो। अरे
क्या बनी है। सो गाइज हम लोग यहाँ से खा के निकले थे बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज, पर हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए। One eternity later. So guys, हम लोग बाहर जाके आ चुके थे, लास्ट में ग्रोसरी लेने रुक गए थे इसीलिए शूट नहीं कर पाए, दो दो बच्चे थे साथ में। तो ये हम लोग ने लिए है 5 किलो सिल्वर कॉइन आटा है ये। ऑलरेडी राशन है इसके लिए कम ले रहे क्योंकि ऑलरेडी भरा हुआ था। तो ये 1 किलो मैंने ऐसी शुगर ले ली क्योंकि शुगर भी पड़ी हुई है। 1-1 किलो दालें ले ली, दालें भी आधे पड़ी हुई है। पोहा ली, ये अंजी खाता है पास्ता, ये पेनी पास्ता है, ये स्पाइरल वाला पास्ता है। और ये नल्ली, ये भी यही खाता है, इसकी मैगी और हल्दी मिर्ची धनिया एवरेस्ट का। और ये सोसाइटी चाय की पत्ती, हम लोग चाय कम पीते इसी के लिए चाय की नहीं पत्ती कम ली है। और ये 3 पापड़ ले ली, मेरे को ये पसंद है ये वाला, तुमको भी ये पसंद है। ये फैमिली पैक कोलगेट ले ली, ये ली हूँ इलायची पाउडर ताकि ट्राई करूँ, कभी करी नहीं चाय में, अपन ट्राई करेंगे एक बार, ये अच्छा टेस्ट करता है क्या, तो फिर ले लेंगे। ये इन्होंने लिए फ्लोरोसेंट कलर का ब्रश, तो ये ली। और 25 किलो राइस ली हूँ, और यहाँ पे तेल के पैकेट्स ली हूँ 5 kg। दैट्स इट, अभी ये छोटी मोटी शॉपिंग हुई है, बाकी की बाकी है। जो मेन लेना है ये नज़दीक के ग्रोसरी स्टोर से ले लिए ताकि फिलहाल के लिए काम चल जाए, अभी अगर बिग बाज़ार गए तो अंजीक का सामान लेना बाकी है तो वो ले लेंगे। हो गया डन? हाँ डन हो गया सब कुछ, इतना ही ली फिलहाल के लिए। तो फिर फटाफट अभी सब भर दो फिर डब्बे में जो भी है, क्योंकि बहुत फैला हुआ है। देखो अंजीक ने पूरे टॉयज पूरा फैला हुआ है पूरे रूम में और सब तरफ पूरा फैला हुआ है। ओके सो गाइस, आज का ब्लॉग यही एंड करते, मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। सो स्टे ट्यून, दुआ में याद रखिए ना भूले, ये अंजिक भाई का थीम है जो आप लोग प्लीज याद रखें। ओके सो गाइस, अब हो गया भाई तुम्हारा, हो गया या ठीक है भाई, और बाकी का थोड़ा दिखा ओके, तो गाइस मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। सो गाइस फिया मानिल्ला, दुआ में याद रखिए, बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। माय डांस लाइक द नवा कर देंगे, कर देंगे, अब तो पक्का कर देंगे।